हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपका और अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। यानी दोस्तों, RSMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक और भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिसका प्रेस नोट विभाग द्वारा आज ही 14 फरवरी को जारी किया गया है। यानी दोस्तों, पूर्व में भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दो भर्ती परीक्षा, जो महिला आंगनबाड़ी और कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम 10 फरवरी को आयोजित होनी थी, वह परीक्षा भी गुर्जर आंदोलन की वजह से स्थगित हो चुकी है। अब ये तीसरी भर्ती परीक्षा है, जो 24 फरवरी को फार्मासिस्ट की भर्ती आयोज फार्मासिस्ट की एग्जाम आयोजित करवानी थी। यानी यह भी विभाग द्वारा भी इस एग्जाम स्थगित कर दी गई है। अब जो 24 तारीख को एक और एग्जाम होने वाली है NTT टीचर की, उस एग्जाम में भी सवाल उठने लगे हैं। यानी वह भी टाइम पे लगेगी या नहीं लगेगी, तो आप यह प्रेस नोट देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो आज ही दिनांक 14 फरवरी 2019 को जारी हुआ है। अब इसमें क्या, इसकी डिटेल नीचे आप देख सकते हो प्रेस नोट। यानी बोर्ड द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2019 को अप्रातः 2:30 पर से सायं 5:30 बजे तक जयपुर में आयोजित की जाने वाली फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2018, यानी फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2018 अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा स्थगित की जाती है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर यथासमये राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। अद्यतन एवं नवीनतम सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in का निरंतर अवलोकन करते रहिए। यानी नेक्स्ट टाइम में जो इनकी नई एग्जाम डेट विभाग द्वारा जारी की जाएगी, तो उसकी सूचना भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। और सब्सक्राइबर जो करने के बाद जो बेल आइकन है, तो उसको प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल पर तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।